जिला कठुआ से दूरदराज इलाका बसोली अपनी मुनफरिद मिनीचर पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। 17वीं सदी के आखिर में बसोली मुसविरी के एक अजीम मरकज के तौर पर उभरा। ये 300 साल पुराना आर्ट है। इस आर्ट को 45 साल से जिंदा रखे हुए रिवाइवल ऑफ बसोली आर्ट के नाम पे एक स्कूल की बुनियाद डाली गई, जिसके अव्वल स्टूडेंट्स में धर्मपाल है। 45 साल हुए इस साथ जुड़ा हूँ। जब मैं स्टूडेंट था 12th क्लास का, तब मैंने ये एक बसोली पेंटिंग, जहाँ स्कूल खुला था, रिवाइवल ऑफ बसोली आर्ट के नाम से, जहाँ के राय जो थे वो हर एक मैदान में जो थे वो आगे रहते थे। उनका दिल्ली में संपर्क मुगलों से भी हुआ कर था और मुगलों से ही ये आर्ट जो है बसोली में आया था। बसोली आर्ट अपनी रंगों की वजह से पूरे मुल्क में मशहूर है। ये पेंटिंग्स गिलहरी के बालों से बने ब्रश और स्टोन नेचुरल कलर से की जाती है। इस पेंटिंग में नेचुरल स्टोन कलर यूज होते हैं और इसमें जो ब्रश यूज होते हैं वो भी गिलहरी के बालों से बनते हैं, तो नेचुरल गोल्ड और सिल्वर यूज होता है। इस आर्ट में इंटरेस्ट था मुझे, कलर वगैरह अच्छे लगते थे, तो बस उसी को देख के मैंने, बसोली पेंटिंग फेमस भी है यहाँ की बसोली की, तो फिर मैंने ये पेंटिंग करना स्टार्ट किया। और हमें ये है कि हमारा जो बसोली का आर्ट है हमें इसे ही रिवाइव करना है अभी ज़्यादा से ज़्यादा, कि लोग इसे पहचाने कि बसोली आर्ट क्या है। जो कृष्ण की रासलीला है उसी में, ये राधा कृष्ण में ये पेंटिंग्स वगैरह बनती हैं। राजा की जितनी पुराना आर्ट है राजा के टाइम का, तो राजा के जितने भी राजा हैं सभी का पोर्ट्रेट यहाँ पे बनता है। उन आर्टिस्टों ने जहाँ पर हिंदू मिथोलॉजी पर बहुत काम किया है, जिसमें कृष्ण राधा, महाभारत, रामायण, इन चीज़ों को जो है उन्होंने अपना थीम बनाया। अगर गवर्नमेंट ने इस आर्ट को जिंदा रखने के लिए एक सेंटर विश्वासथली आर्ट गैलरी का कायम अमल में लाया, लेकिन इसके रिवाइवल के लिए इतना काफी नहीं है। हमने अपने लेवल पर इसको दुनिया और देश विदेश में पहुंचाया है और वहां से हम अपनी पहचान बना चुके हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ भी आज अभी कहूँगा कुछ नहीं किया जा रहा है। ऐसे स्कूल वगैरह एक आधा खोला है इन्होंने, लेकिन उसमें भी जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है, और जो अपॉर्चुनिटी तो आर्टिस्टों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। हमने भी उस आर्ट को जो है 40-45 साल से विभिन्न देशों में पहुँचाने की कोशिश की है और इसकी पहचान जो है इसको दोबारा रिवाइव की है। मैंने तो अमेरिका में एक सीरियल्स 35 पेंटिंग का वहाँ एक सीरियल बना के भेजा है। बसोली आर्ट जो है वो दुनिया भर में मशहूर है इसके कलरों की वजह से, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से। एक मजबूत बात यह है कि इस आर्ट को जिंदा रखने के लिए इसे नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर करने की कोशिश की जा रही है। मैंने 3 साल हो गए ये पेंटिंग सीखते हुए। पहले से ही शौक था मेरे को पेंटिंग सीखने का, तो मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे विश्वसनीय सेंटर है, यहाँ पे पेंटिंग सिखाते हैं, तो मम्मा ने मेरे को यहाँ पे भेज दिया कि आप सीखो जाके, तो हमने यहाँ पे आके मैं बसोली पेंटिंग सीख रही हूँ। बसोली पेंटिंग्स की, रसमंजलि की, गीत गोविंद की, इन सब चीज़ों सीरीज जो पेंटिंग है हम इनकी पेंटिंग्स बनाते हैं।